दोस्तों जब भी कोई क्रिमिनल केस दर्ज होता है कहीं पर भी, तो क्रिमिनल केस दर्ज होने के बाद में जो पूरा ट्रायल चलता है, आप कोई एफआईआर दर्ज हुई तो हालांकि अगर उस केस में कुछ मिला नहीं तो पुलिस ही आपका उस केस के अंदर डिस्चार्ज लगा देती है, मतलब कि केस आगे चलता नहीं है वो, या फिर केस में कुछ मिला नहीं तो उसके बाद भी जब चार्जशीट लगी तो भी डिस्चार्ज आप हो जाते हो। पर मैं बात उसकी कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपका ट्रायल चलना शुरू हो जाए, एफआईआर दर्ज हुई, चार्जशीट लगी, आप ट्रायल आपका शुरू हो गया, तो ऐसे मामलों में खास करके आप पर जब केस दर्ज हुआ आपको पता नहीं होता कि मैं आज कोर्ट में जाऊंगा तो आज कोर्ट में क्या होगा या प्रोसीडिंग क्या होगी, क्या होता है पूरे ट्रायल का प्रोसेस, कब कब क्या होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, उसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, क्रिमिनल ट्रायल का भी एक प्रोसेस है। बहुत सारे नए वकील साहब, बहुत सारे वो जो लॉ नए स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी लॉ कंप्लीट की है और लाइसेंस आ गया, उनके पास इंटर्नशिप उन्होंने की नहीं और कोई सिखाने वाला उनके पास है नहीं, तो ऐसे मामलों में उन सभी की मदद के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा ट्रायल कैसे चलता है शुरुआत से लेकर एंड तक। ज्यादा कुछ जानने के लिए क्रिमिनल ट्रायल के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर अभी वकील साहब बने हैं वो अभी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अक्सर सवाल पूछते हैं अलग तरह के जो उनके दिल में सवाल होते हैं। उनके सभी सवालों को देखते हुए हमने सोचा कि पूरे क्रिमिनल ट्रायल पर हम एक वीडियो बनाएं। दोस्तों कोई भी जो क्रिमिनल ट्रायल चलता है वो शुरुआत होता है एक कंप्लेंट से, इन्फॉर्मेंट से हालांकि शुरुआत होती है। एक कोई भी इन्फॉर्मेंट जाता है पुलिस के पास, अपनी इन्फॉर्मेशन देता है या ऑनलाइन उसने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, मतलब कि उसने कोई कंप्लेंट दे दी होगी, आप कुछ इस तरह समझ लीजिए। पुलिस एक प्रिलिमिनरी कोई भी इंक्वायरी करने के बाद में एफआईआर को दर्ज कर लेते हैं। एफआईआर दर्ज हो गई तो एफआईआर जब दर्ज होती है दोस्तों, एफआईआर में भी एनसीआर कटेगी या एफआईआर कटेगी। एफआईआर कटी है तो उसमें चार्जशीट लगेगी ही, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आनी ही है। तो जो एफआईआर कटी आपकी, एफआईआर कटते ही किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ने पकड़ा, मतलब कि उसको अरेस्ट कर लिया, 24 घंटों में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब यहां डिसाइड करेंगे कि उसको अब रिमांड पर भेजें, मतलब कि पुलिस रिमांड में दे दें या फिर जुडिशियल कस्टडी में दे दें, मतलब जेल भेज दें। तो यहां पर अगर वो रिमांड पे गया 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, तो रिमांड के वापस आकर जब वापस पेश किया गया और पुलिस के पास कुछ भी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो वहीं से वहीं बेल मिल जाती है। और अगर पुलिस के पास कोई भी एविडेंस है तो वहीं से उनको जेल भेज दिया जाता है, उस व्यक्ति को, उस एक्यूज को, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब जेल भेज दिया गया, अब लगेगी यहां पर चार्जशीट। पर मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों, बीच में आप बेल लगा सकते हो चार्जशीट से पहले भी, जरूरी नहीं कि चार्जशीट का आप वेट ही करोगे, डिपेंड करता है केस। चार्जशीट लगेगी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में, पुलिस करेगी यहाँ पर चार्जशीट फाइल और यहाँ पर सब चीज़ें उस पूरे के पूरे जो ये आरोप पत्र जो बनाया गया पूरा, ये डायरी भी आप इसको बोल सकते हैं, अलग तरह से अलग अलग स्टेट में बोली जाती है चीज़। चार्जशीट जब कोर्ट में लग गई तो वह सब कुछ लिखा है, आपके वकील साहब उस चार्जशीट को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं, कौन कौन से पेजेस सही हैं, कौन से पेजेस लगने चाहिए थे, कौन से नहीं लगने चाहिए थे, ऐसी बहुत सारी दोस्तों बातें होती हैं। अब दोस्तों इसके बाद में जैसे ही चार्जशीट लग गई है आपकी, तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद में, मतलब कि चार्जशीट लग गई है, अब यहाँ पर जो अगला स्टेप आएगा वो होता है चार्जेस फ्रेम करने का, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब कि जो ऑफेंस हुआ है किस किस सेक्शन के तहत आप पर मुकदमा ये आगे चलेगा, जो आप पर जो सेक्शंस लगाए गए हैं उन सब में जो ट्रायल आगे चलेगा वो सब मेंशन होता है, उसी को चार्ज फ्रेम करना बोलते हैं। हालांकि चार्जेस जो फ्रेम होते हैं वो किसी भी स्टेज पर अल्टर किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई आपके पर कोई सेक्शन लग गया वो बाद में हट नहीं सकता, या फिर कोई अगर सेक्शन नहीं लगा वो लग नहीं सकता, ये हो सकता है, डिपेंड करता है आगे होने के बाद में जब केस का फर्दर प्रोसेस चलता है। और आप जैसे ही चार्जेस फ्रेम हुए, आप कुछ बोल रहे हैं कोई सेक्शन नहीं लगते हैं फिर भी लग गए, तो आप यहाँ पर रिविजन में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील लगा सकते हैं, अगर वो सेशन ट्रायल था और लोअर में था तो आप ऊपर जा सकते हैं, डिपेंड करता है क्या केस चल रहा है। इसके बाद में प्रोसिक्यूशन एविडेंस शुरू हो जाते हैं, जिसको पीई बोलते हैं, मतलब कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और जो लिस्ट ऑफ विटनेस बनाए गए उन सबको वन बाय वन कोर्ट में बुलाया जाता है और आपके वकील साहब उनको क्रॉस करते हैं, उनका चीफ एग्जामिनेशन होता है और क्रॉस होता है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हालांकि आपके वकील साहब। बट जो अगला स्टेप है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस का होता है, बहुत सारे एविडेंस चलते हैं, अगर आपके वकील साहब हैं तो उस लिस्ट को देख लें, अगर वहाँ 20 लोगों की लिस्ट है तो उस 20 लोगों के जो एविडेंस कराए जाएंगे वो 1 बाय 1 हर डेट पे 2-3 भी बुलाए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस कराया जाएगा। जैसे ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हो गए, मान लीजिए जितने भी गवाह हैं सबकी गवाहियाँ हो गई, जो डॉक्यूमेंट लग गए, उसके बाद होगी स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज,
मतलब कि यहाँ पर 313 की स्टेटमेंट कराई जाती है, जिसमें कि आप ये भी बोल सकते हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज को शॉर्ट में लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे पर डेट आ गई। अब वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे सवाल काफ़ी बार पहले से लिखे होते हैं, तो उनके जवाब देता है कौन? एक्यूज। यहीं बस एक पोजिशन होती है जहाँ पर आकर, यही एक वो स्टेज है जहाँ पर आकर खुद एक्यूज बताता है कोर्ट को क्या सच है और क्या झूठ है, क्या वो बोलना चाहता है, उसके दिल में जो भी बातें हैं उस समय वो कोर्ट को जाकर बताता है। आपके वकील साहब भी इसमें आपकी हालांकि मदद बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। जैसे ही स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होने के बाद में एविडेंस ऑफ डिफेंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि डिफेंस में अब जो आपके वकील साहब हैं वो अपने अब यहाँ पे सबूत देंगे, अपने गवाह देंगे, बुलाएंगे वहां पर, वो उनके स्टेटमेंट करवाएंगे, और यहाँ पर पीपी साहब जो बैठे हैं कोर्ट में वो उनसे सवाल पूछेंगे। मतलब जो अभी तक स्टेट ने किया था वही मतलब उसका उल्टा वर्जन होता है यहाँ पर, जहाँ एविडेंस ऑफ डिफेंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। अब जैसे ही आपके फेवर में जो आपके गवाह आ रहे हैं, गवाह ने गवाही दे दी, क्रॉस भी हो गया, डॉक्यूमेंट आपको लगाने लगा दिए, आपने एविडेंस लगाने लगा दिए, उसके बाद आएगा फाइनल आर्ग्यूमेंट। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके वकील साहब फाइनल आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि पूरे केस का जो जेस्ट बनता है, पूरे केस का शुरुआत कहाँ से हुई, क्या इल्लीगल अरेस्ट किया गया, या 41A का नोटिस नहीं दिया, चीटिंग फोर्जरी का मामला था, या फिर किसी मामले मर्डर केस में हुआ कि जो वेपन है, वेपन सही तरह से, जो भी को मतलब मर्डर हुआ, जो वेपन ऑफ मर्डर है वो सही से बरामद नहीं किया गया, या फिर हो सकता है कि इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, बहुत सारी बातों पर आर्ग्यूमेंट किया जाता है, नए नए जजमेंट्स दिए जाते हैं, जजमेंट के आधार पर वो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ले लिया जाता है, और जैसे ही फाइनल आर्ग्यूमेंट खत्म होता है फिर नेक्स्ट डेट पे होता है डिलीवरी ऑफ जजमेंट। अब जजमेंट देगा कोर्ट, कोर्ट ये बताएगा कि आप कन्विक्टेड हो या फिर आपको एक्विटल दे दिया गया है, या तो आप बरी कर दिए जाओगे, केस से मुक्त कर दिए जाओगे, और या फिर यहाँ पर जजमेंट देंगे कि नहीं आप अपराधी हो। अब जैसे ही यहाँ पर बोलेंगे अपराधी हो, तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस होता है, जो सजा आपको दी जानी है, किसी भी मामले में एक सजा होती है लिखी हुई, मान लीजिए पॉक्सो का मामला है 20 साल कम से कम अगर सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जाकर वो अब आपके वकील साहब जाकर वहाँ पर कोर्ट में जाके आर्ग्यूमेंट करते हैं, जाके सबमिशन देते हैं कि लीनियंट व्यू लिया जाए कोर्ट के द्वारा, कम से कम सजा दी जाए, इस व्यक्ति ने पहले से इतना वक्त जेल में काट लिया है, घर में छोटे बच्चे हैं, ओल्ड एज मदर फादर है, उस व्यक्ति के ऊपर अपने काफ़ी लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, क्योंकि अब तो जजमेंट आ गया, कन्विक्शन दे दिया, तो आप दोबारा से नहीं जाओगे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, अब तो आप लीनियंट व्यू की बात कर सकते हैं कि सजा मुझे कम से कम दी जाए। इन सब पर आपके वकील साहब अपना सबमिशन देते हैं, और फिर नेक्स्ट डेट पर जजमेंट विथ पनिशमेंट, पनिशमेंट कितना दिया गया, कोई किसी तरह का फाइन लगाया गया कि नहीं लगाया गया, ये सब होता है, और जो भी जजमेंट का ऑर्डर आपके पास अब आया, पनिशमेंट जो उसमें लिखी है, अब आप उसके लिए अपील कर सकते हो उसके हायर कोर्ट में। पॉक्सो में मान लीजिए कन्विक्शन हो गया तो अब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, किसी मर्डर केस में हो गया हाई कोर्ट जा सकते हैं, चीटिंग फॉर्जरी के मामले में कन्विक्शन हो गया हाई कोर्ट जा सकते हैं, किसी भी मामले में आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। आप किस किस मामले में हाई कोर्ट जाएंगे, कब कब अपील लगा सकते हैं, अपील पर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, उस अपील की वीडियो आप देख लेना। और साथ में ही दोस्तों, जो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होती है 313 की स्टेटमेंट, उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको भी देखेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, आप पर कोई केस हुआ है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें सवाल पूछें, केस को डिस्कस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हो सकता है हमारे की सजेशन से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। दोस्तों, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोज़ हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।